मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1। बिफोर कंप्लीटिंग 7.1 वी नो अबाउट द ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसको हम पहले ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री मीन्स रेखा गणित, ज्योमेट्री मीन्स रेखा गणित। ओके, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब यहाँ पर कुछ जो रेखा गणित की जो आकृतियाँ हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। नंबर वन प्लेन। प्लेन मीन्स समतल। ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड ए प्लेन। अ स्मूथ फ्लैट सरफेस, यानी जो सरफेस एकदम समतल होता है, विच एक्सटेंड मीन्स फैलता है, एंडलेसली मीन्स जिसका कोई अंत नहीं हो, इन ऑल द डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए प्लेन। ओके, यानी जो प्लेन सरफेस किसी भी दिशा में विदाउट अनंत बढ़ता है उसे हम प्लेन कहते हैं। ए प्लेन हैज नो बाउंड्री, जो प्लेन होता है स्टूडेंट्स उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती। द टॉप ऑफ ए टेबल, जो प्लेन होता है उसका एक एग्जांपल है द टॉप ऑफ ए टेबल। द सरफेस ऑफ ए वॉल, द सरफेस ऑफ ए पेपर, द फेस ऑफ ए ब्लैकबोर्ड आर पार्ट्स ऑफ प्लेन्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लेन्स के। ओके, नंबर टू आता है ज्योमेट्री में पॉइंट। पॉइंट मीन्स बिंदु, लाइक दिस। ओके, ए वेरी स्मॉल डॉट मेड विद ए शार्प पेंसिल और ए पॉइंटेड पेन गिव अस ए पॉइंट। यानी एक जो बहुत छोटा बिंदु जो हम एक शार्प पेंसिल यानी छिली हुई पेंसिल से या एक पेन से लगा सकते हैं, लाइक दिस। ओके, इसको हम पॉइंट कहते हैं। इट शोज एन एग्जैक्ट पोजिशन और लोकेशन, जो कि एक एकदम सटीक पोजिशन बताता है जगह। ए पॉइंट हैज नो लेंथ, अब देखिए हमने ये जो पॉइंट लगाया है इसमें आपको लेंथ दिखती है? नो। ब्रेथ, चौड़ाई है इसमें? नो। और थिकनेस, मोटाई है इसमें? नो। यानी जो पॉइंट होता है उसमें ना तो लंबाई होती है स्टूडेंट्स, ना चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और हम पॉइंट को जब भी शो करते हैं, जब भी दर्शाते हैं, वो कैपिटल लेटर के द्वारा ही दर्शाते हैं। सपोज 1 point, 2 point, 3 point, अगर हमें इनको नाम देना हो तो हम क्या नाम लिखेंगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ओके, यहां हम इनको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पॉइंट को शो करें तो वो कैपिटल लेटर के द्वारा ही शो करें। ए पॉइंट ए इज ए पॉइंट, यहां पर ए बी और सी एक पॉइंट है। ओके, नंबर टू आता है ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट को हम रेखाखंड कहते हैं। लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेखाखंड। मार्क टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर। हम एक पेपर पे दो पॉइंट लेते हैं, 1 and 2। ओके, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। अब ये आपने दो डॉट लिए ए एंड बी। ओके, अब ए और बी से आपने एक लाइन खींची। ओके स्टूडेंट्स, ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए और बी को जब आपने मिलाया तो आप इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट। ओके, जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से करेंगे, किसको? लाइन सेगमेंट को। ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड, और हम
जो लाइन सेगमेंट है उसको हम नाप भी सकते हैं, यानी इसकी लंबाई फिक्स होती है, लाइन सेगमेंट की छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और हम उसको नाप भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रे। रे मीन्स किरण। देखिए, आप जब कभी भी घर में टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाने पर क्या आता है, उसकी जो रोशनी है वो आगे की तरफ जाती है। देखा है आपने, सपोज करो आप यहां पे स्टैंड हैं, खड़े हैं, और आपने इस डायरेक्शन में आपने टॉर्च जलाई तो रोशनी आगे की तरफ जाएगी ना स्टूडेंट्स, तो वो होती है हमारी रे, यानी जो उसकी रोशनी है, जो लाइट है, वो बैक में नहीं जाएगी, सीधा स्ट्रेट जाएगी। ओके, ए लॉन्ग सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे, यानी लॉन्ग सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स रेखा खंड जो होता है, एक रेखाखंड जो एक डायरेक्शन में अनंत तक जा सकता है उसको हम रे कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बी, जिसको हम ए बी से भी शो कर सकते हैं। सपोज करिए ये आपकी एक लाइन सेगमेंट थी ए एंड बी। ओके, अब इस लाइन सेगमेंट को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया, एक्सटेंड किया, तो ये होगी आपकी रे। ओके, द रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट्स। देखिए, जो रे है उसमें एक एंड पॉइंट है जो नाम है, बट जो बी साइड है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो गई है। द रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट नेमली ए, जिसको हम ए बोलते हैं। ओके, द एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, जो ए है हम उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन। लाइन मीन्स रेखा। अब हम रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए ये है आपकी रेखा। देखिए, जो रेखा है, रेखा में आपका जो एरो हो वो दोनों साइड एक्सटेंड हो रहा है, पढ़ रहा है ना, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए लाइन। अब जो लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली, यानी जिसका कोई अंत ना हो, बढ़ती हुई जाएगी। इट इज डिनोटेड बाय ए बी और बी ए, हम इसको ए बी और बी ए भी कह सकते हैं। देखिए, आपने जैसे पॉइंट लिया था ए बी, ओके, अब आपने ये हो गया आपका ए और ये आपका बी। अब बी डायरेक्शन को भी आपने इस तरह से बढ़ाया और ए डायरेक्शन को भी इस तरीके से बढ़ाया। जब आप रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी लाइन और ए बी लाइन इस तरह से शो करेंगे। ओके, ए लाइन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर एल एम एन ई टी सी, और जब भी आप लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उनको स्मॉल लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, जो लाइन होती है उसमें एंड पॉइंट नहीं होता, देयरफॉर इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, और इसमें कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स परस्पर छेदन रेखा। इंटरसेक्टिंग मीन्स सपोज आपने एक लाइन ली ये, ओके स्टूडेंट्स, और सेकेंड लाइन आपने ये ली, देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में यहां पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यानी आपस में काटती हैं। ओके, ये लाइन और ये लाइन यहां पे आपस में काट रही हैं, इसलिए हम इन लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ओके, इफ टू लाइंस मीट एट ए पॉइंट, यदि दो लाइनें, एक लाइन और टू लाइंस, टेंड टू मीट इफ एक्सटेंडेड, अगर वो एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ओके, हैंस ए बी
एंड सी डी। देखिए यहां आपने एक रेखा ली, ए बी, और दूसरी रेखा ली आपने सी डी। ओके, तो आप इसको ऐसे लिखें, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो ए बी और सी डी लाइन है उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस। पैरेलल मीन्स समानांतर रेखा। जब दो रेखाएं आपस में एक दिशा में समानांतर चलती हैं, यानी वो आपस में नहीं मिलती और उनकी दूरी फिक्स होती है और वे दोनों डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों में जाती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। लुक एट द टू लाइंस ए बी, ए बी एंड सी डी। आप यहां पर ए बी एंड सी डी लाइंस को देखेंगे। इफ वी एक्सटेंड दीज लाइन ऑन बोथ साइड, वी फाइंड दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट इवन व्हेन वी एक्सटेंड देम टू एनी एक्सटेंड। सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अगर हम इन लाइंस को स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ाते हैं लाइक दिस, तो क्या ये आपस में मैच करती हैं, मिलती हैं? नहीं, और दोनों की जो दूरी है वो इक्वल मिलेगी आपको, तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ओके, दस द लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और ये लाइन आपस में कहीं तक भी चले जाएं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, यानी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसलिए हम इन लाइनों को पैरेलल लाइन कहते हैं। टू पैरेलल लाइंस आर इंडिकेट बाय आइडेंटिकल लाइंस। अब आप जब भी पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करेंगे, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। ओके, एंड नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7.1। ओके, फर्स्ट, हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग फ्रॉम एक पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब आप बताएंगे कि हम एक पॉइंट से कितनी लाइनें खींच सकते हैं। कितनी लाइनें खींच सकते हैं आप, देखिए इस तरीके से, तो आप बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं एक ही पॉइंट से, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, सो वी कैन ड्रॉ इन्फिनिट लाइंस, यानी हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो राइट हेयर इन्फिनिट, टू पॉइंट्स, अब आपके पास टू पॉइंट्स हैं, अब आप इनसे मिलाकर कितनी लाइंस खींच सकते हैं, देखिए पॉइंट वन पॉइंट टू, अब हम पॉइंट वन और टू से एक ही लाइन खींच सकते हैं, आप इससे दूसरी लाइन तो खींच नहीं सकते जो दोनों को टच करे, तो राइट हेयर वन। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द क्लोज फिगर एंड नेम द पॉइंट्स दैट। अब आपको यहां पे ये फिगर दिखाया गया है, इस फिगर्स में जो आपको नाम पूछे जाएंगे आप वही नाम बताएंगे। लाई इन द इंटीरियर, आप इसके अंदर में कौन से पॉइंट्स देखते हैं, देखिए इसके अंदर आपका पॉइंट ई डी एच बी, ये फिगर के अंदर है, तो राइट हेयर ई डी एच बी। ओके, अंडरस्टैंड, लाई इन द एक्सटीरियर, अब जो पॉइंट बाहर की तरफ है आप उनके बारे में बताएंगे। देखिए बाहर क्या आपका एफ एंड सी, सी देखो लाइन से मिला तो नहीं है, तो राइट हेयर एफ एंड सी। ओके,
लाई ऑन द बाउंड्री. अब देखिए इसमें बाउंड्री पर कौन सा है, ए. सो राइट हेयर ए. अंडरस्टैंड, समझ में सभी को. नेक्स्ट, नेम दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स वन हैज बीन डन फॉर यू. देखिए यहां पर जो ये शेप आपको दी गई है आप इनके नाम बताएंगे, जैसा कि ए इन्होंने किया है. अब ये है आपकी लाइन, दोनों तरफ एक्शन हो रही है, तो लाइन ए बी और ए बी. ओके, अब सेकंड देखिए क्या है आपकी. अब जो लाइन है ये आपकी एक तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो एक तरफ हमारी कौन सी लाइन एक्सटेंड होती है, रे. कौन सी होती है, रे. राइट हेयर आर ए वाई रे. आप इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, पी क्यू. ओके, अंडरस्टैंड. सी, अब ये क्या है आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है सी में, दोनों तरफ डॉट है यानी फुल स्टॉप है, एस टी है, तो ये क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट. सो राइट हेयर लाइन ओके. अब आप इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, एस टी. ओके फ्रेंड्स, एस टी. अंडरस्टैंड. डी देखिए, डी क्या है, बिल्कुल दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए, बिल्कुल ए की तरह है ये, आप इसको अपने आप करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट ई. नेक्स्ट ई, अब देखिए यहां पर टू लाइन है, ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी आपस में क्रॉस करती हैं, कर रही है ना, और जो क्रॉस कर रही है वहां पर एक पॉइंट है ओ. सो दिस इज आवर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन. सो राइट हेयर लाइन ए बी और ए बी. अब यहां इन्होंने लाइन ए बी और ए बी करके लिखा है, तो आप भी ऐसे लिखेंगे. दूसरी क्या है आपकी लाइन सी डी और सी डी. ओके, राइट हियर इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, एफ देखिए दोनों लाइंस सेम दूरी पर चल रही हैं, एल एंड एम. इट मीन्स दीज आर पैरेलल लाइन, तो आप इनको लिखेंगे एल, ये है पैरेलल का साइन एम. ओके, राइट हियर ओके. नेक्स्ट जी, अब आप ध्यान से देखिए क्या है ये, दीज आर लाइन. पी भी आपकी लाइन है एंड क्यू भी आपकी लाइन है. ओके, देखिए पी आपकी लाइन यहां से यहां तक है ओनली, एंड पी ये री एंड क्यू दिस वन, तो दीज आर लाइन, ये आपस में क्रॉस नहीं कर रही है स्टूडेंट्स. ओके, एच डू योर सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, एच क्वेश्चन डू योर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, सी द गिवन फिगर एंड नेम द. अब इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे और यहां जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं ये आंसर लिखेंगे आप इनका. पॉइंट्स, पॉइंट्स कहां कहां हैं आपके, आप मुझे फोर पॉइंट बताएंगे. देखिए वन टू थ्री फोर, फोर पॉइंट्स. सो राइट हेयर पॉइंट्स ए
पी बी एंड क्यू, दीज आर फोर पॉइंट्स. नेक्स्ट लाइंस. अब लाइंस कौन सी हैं? लाइंस कौन सी होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर एक्सटेंड होती हो, ए बी लाइन. ओके स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मींस रेखा खंड. रेखा खंड क्या आपका ए पी. देखिए यहां पे भी डॉट है, इट मींस ये आपका एक रेखा खंड है. तो ए पी एक लाइन हो गई आपकी. नेक्स्ट पी एंड बी, यहां भी डॉट है. पी एंड बी एक लाइन ये होगी आपकी. पी एंड क्यू, देखिए एक लाइन ये आपकी. लाइन सेगमेंट है ये? नहीं, ये लाइन है सीधी. ओके सो एक लाइन सेगमेंट हमारा बनता है पी क्यू. पी क्यू. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर फोर थ्री लाइन सेगमेंट. वन वन टू एंड थ्री. ओके नेक्स्ट रेज. अब यहां पर रेज कहां है? पी ए. देखिए यहां से लेते हैं हम, तो एक इसका एंड पॉइंट पी है और ये आपका ए एक्सटेंड हो रहा है. तो पी ए लाइन. ओके पी क्यू. अब देखिए पी आपका एंड पॉइंट है और क्यू आपका एक्सटेंड हो रहा है आगे. तो पी क्यू, पी क्यू रे. ओके नेक्स्ट पी एंड बी. ओके राइट हेयर पी एंड बी रे. अंडरस्टैंड? समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर. अब है यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसमें से राइट आंसर को चूज करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट्स. यहां पर किसका एंड पॉइंट नहीं होता? तो ए लाइन. सो आप ए को टिक करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट्स. यहां पर किसका एक एंड पॉइंट होता है? किसका होता है स्टूडेंट? सी का रे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एंड पॉइंट्स. दो एंड पॉइंट किसके होते हैं? लाइन सेगमेंट के. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ वेज. यहां पर कौन से दोनों तरीके से बढ़ सकते हैं? ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन, ए रे, ए प्लेन, ए लाइन, ए लाइन सेगमेंट. चारों में से क्या होगा? ए लाइन. ओके सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एक्सरसाइज 7.1.